29 तारीख को निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। आज हुई चौकी की रस्म अदा, चौकी के जुलूस से शुरू हुए मुहर्रम के कई कार्यक्रम। करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के सिलसिले में मंगलवार को चौकी के जुलूस से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। हिजरी संवत के जिलहिज महीने में 29 तारीख को मुहर्रम की चौकी का जुलूस निकाला गया। जोहर की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नौहत की दरगाह स्थित झालरे में पानी से चौकी की धुलाई की रस्म अदा की गई। असर की नमाज के बाद दरगाह के गरीब नवाज गेस्ट हाउस से चौकी का जुलूस शुरू हुआ। अकीदतमंद सिर पर चौकी रख कर चले जुलूस लंगर खाना गली होते हुए रोशनी के वक्त पूर्व लंगर खाना पहुँचा। चौकी को इमाम हुसैन बारगाह में रखा गया है। यहाँ पर सलात व सलाम पेश किया गया। मुहर्रम की 4 तारीख को खोला जाता है ज़ियारत के लिए। देश भर से आते हैं यहाँ ज़ायरीन। 12 घंटे के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बाबा फरीद गंज शकर का चिल्ला खोला जाएगा। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को दरगाह क्षेत्र स्थित अंदरकोट में तलवारों से हाईदोस खेलने की परंपरा है। अजमेर के अलावा पाकिस्तान में के लाहौर में खेला जाता है। इसके लिए दी जाती है पंचायत अंदरकोटियान को जिला प्रशासन से इजाज़त लेनी पड़ती है और ये कार्यक्रम पूरे यहाँ होते हैं। आज मुहर्रम की 29 तारीख को चौकी की धुलाई रस्म अदा की गई है। दरगाह की गेस्ट हाउस है यहाँ से है जो सलात व सलाम के साथ मरखिया खानिश के साथ यहाँ से जो चौकी का जुलूस है वो यहाँ से रवाना हुआ है और असर की नमाज के बाद ये जुलूस यहाँ से रवाना होता है और लंगर खाना पहुँचता है। इसी के साथ मिनी उर्स की शुरुआत भी हो जाती है। दरगाह के धान मंडी से लेकर दरगाह तक बैरिकेड लगाए जाते हैं जिससे दोनों साइड दायरीन की आवाजाही रहती है। जैसे एक साइड आने वाले एक साइड जाने वाले की तरफ से दोनों रास्ते हैं। चेन लगाकर बैरिकेड बीच बीच में लगाए जाते हैं। आज सरकार की चौकी जो है चौकी रखी गई है आज हुजूर इमाम अली मकाम की। 29 तारीख को हमारे यहाँ चौकी रख देते हैं इमाम बारगाह में और हमारे यहाँ जाजम बिज्जती है और सोजो सलाम का सिलसिला जारी हो जाता है आज 29 तारीख से। ये चौकी कहाँ से लाई जाती है? ये गरीब नवाज गेस्ट हाउस से उठ के और लंगर खाना 3 नंबर गेट के ऊपर चौकी आती है और यहीं सबसे पहला सलाम होता है 29 तारीख को। अब आज से जो है सोजो सलाम हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगे। चांद देखने के बाद पहला सलाम लंगर खाना गेट नंबर 3 पे अभी अभी हुआ है असर की नमाज के बाद। किस तरह का आयोजन होता है इन दौरान मुहर्रम में? ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद होती है, सोजो सलाम होता है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम अली मकाम की जो करबला में शहादत हुई उसका शोक मनाते हैं, गम मनाते हैं, उनका सोजो सलाम पढ़ते हैं और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं बारगाह गरीब नवाज में। कितने दिन तक ये कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम तीजे तक चलेगा। तीजे तक इस दौरान दरगाह शरीफ में क्या कव्वाली का आयोजन? नहीं, कव्वाली का प्रोग्राम यहाँ हुजूर गरीब नवाज में चांद दिखने से पहले 29 तारीख से 28 तारीख से बंद हो जाता है। अब कव्वाली का प्रोग्राम कोई भी नहीं होगा दरबार में। अब कव्वाली तीजे के बाद ही होगी, अभी सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोजो सलाम ही पढ़े जाएंगे। आपका नाम? हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती। और 4 तारीख को जो है 4 तारीख को बाबा फरीद का चिल्ला खुलेगा जिनका मज़ार पाकिस्तान में पाक पटन में उनका चिल्ला खुलेगा। 5 तारीख को चांदी का ताजिया जो है महफिल खाने के ऊपर रखा जाएगा। 5 को 7 तारीख को मेहंदी पेश होगी चांदी के ताजिए पे भी और बड़ा ताजिया जो मकबरे में है वहाँ भी पूरे शहर की मेहंदियाँ पेश होंगी 7 तारीख को।
और कल चांद आज चांद दिख गया तो आज से सौ सलाम शुरू हो जाएंगे जो तीजे तक चलेंगे और 8 तारीख से मुहर्रम की 8 तारीख से मेन गेट से बड़े ताजिए की सवारी होगी 8 को 9 को और 10 को 3 दिन फिर ताजी शरीफ को 10 तारीख के बाद सैराब कर देंगे जहाज़े में इमाम बारगाह है वो वहाँ पे सैराब कर देंगे।